हाय गाइज, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं पवन भैया का एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग, आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टी सीरीज पर आया है। ठीक, मतलब इसलिए ब्लॉकबस्टर नहीं है कि ये टी सीरीज पर आया है, बल्कि इसलिए ब्लॉकबस्टर है क्योंकि भाई एक दिन में 7 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं इस पर। ठीक, लाइक कितने लोगों ने इसे देखा है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 7 लाख प्लस लोग देख चुके हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तुम्हारे सिवा इस गाने का टाइटल है, तो टी सीरीज का सॉन्ग है। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नीम की मेडिसिन के ओवरडोज के कारण आपकी वाइफ पैरालाइज्ड हो गई। जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। गोरे तन से ढल के गोली चल जाए जियारा पे, जब जब जवानी ढल के। केहू कुछ भी कहे, केहू कुछ भी करे, हम गेहूं से ना डरेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना, हाँ तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे।
अच्छी भाला फिर भी घायल कर दे। मैं तेरी हुई तो मेरा हुआ, अब जलने वाली जलेंगी। तुम्हारे सिवा कुछ ना, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। Oh, how sweet. Wow. Oh my God. So emotional. खैर देखो, एक चीज़ है, पवन भैया के हम लोग ने और भी पहले कई सारे रिमेक सॉन्ग सुने हैं। लाइक उन्होंने बॉलीवुड के आइकॉनिक सॉन्ग्स को रिमेक किया है, ठीक है, कई सारे सॉन्ग को। इससे पहले तुम सा कोई प्यारा आया था, है ना, वो उनका सॉन्ग था जो गोविंदा का आइकॉनिक सॉन्ग था, बट उसे इन्होंने रीमेक किया था। और इस बार टी सीरीज का एक वन ऑफ द सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर सॉन्ग तुम्हारे सिवा, उसका इन्होंने यहाँ पर ये रीमेक बनाया है और बहुत ही गजब बनाया है। मतलब ये नहीं कहूँगी कि हाँ मतलब ऐसे ही है, रीमेक है इसलिए अच्छा नहीं है, नहीं, बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग ये एक रीमेक है, मैं कह सकती हूँ, ठीक है। लाइक उसका मुखड़ा यूज़ किया गया है एंड उसके बाद सीन भी उसका यूज़ किया गया है। उसका गाना टीवी पर चल रहा था, तुम्हारे सिवा जो ओरिजिनल सॉन्ग था वो चल रहा था और उसका विजुअल्स यूज़ किए गए हैं जस्ट लाइक एक कहानी को पोर्ट्रे करने के लिए, क्योंकि एक गाने का एक ही इमोशन नहीं हो सकता है, उस गाने के कई सारे इमोशन हो सकते हैं, ठीक है, लाइक वो कई डिफरेंट टाइप के सिनेरियो में यूज़ किया जा सकता है। तो वही एक थॉट यहाँ पर प्रोसेस किया गया है, यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है और बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है। अच्छा यार, देखा जाता है कि देखो कभी भी रिलेशनशिप हो, पति पत्नी का रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, ठीक है, एक टाइम के बाद ना, मतलब आप कुछ टाइम तक बहुत चार्मिंग रहता है, हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक दूसरे के साथ 24/7 टाइम स्पेंड करना मन करता है कि हाँ बस 24 घंटा इस इंसान के साथ रहो, है ना, इस इंसान के साथ उठो बैठो, चलो भागो फिरो, जो भी करना है वो चलो, है ना। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इंसान की मतलब फीलिंग्स थोड़ा सा बदल जाती हैं, या कहें कि प्रायोरिटीज़ बदल जाती, ठीक है। अब आप रात रात भर ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि घर पर कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, जो आपके लिए फ़िक्र करता है, ठीक है। तो पूरी रात में आपके पास एक मिनट का टाइम तो ज़रूर होना चाहिए उस इंसान के लिए जो आपका इंतज़ार कर रहा है। आप उसे फ़ोन करके ना फ़ोन कर सको, आप उसे एक मैसेज छोड़ने का, यार हर इंसान के पास टाइम होता है, ठीक है, कि हाँ मतलब मैं मीटिंग में हूँ, बिज़ी हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, प्लीज़। अगर आप उस इंसान को इतना लोनली फील कराने लगोगे, उस इंसान को बिल्कुल अकेला छोड़ दोगे कि हाँ मतलब फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, मैसेज ही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हर इंसान की एक लिमिट होती है, जिस लिमिट को पार करने के बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है, और वो डिप्रेशन की सिचुएशन कभी ना आए उसके जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि उस इंसान का हाथ थामने का डिसीजन जो है वो आपका है, ठीक है। तो इसलिए अपनों से प्यार करें, लगाव रखें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनकी केयर करें, ठीक है। और ये जब तक आप इतने मच्योर नहीं हैं कि हाँ आप ये सब कर सकते हैं, ये सब जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, तब तक मत करो शादी, कोई नहीं कह रहा है तुमसे, ठीक है, मत कमिट करो कोई रिलेशनशिप। सो जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना संभाल सको, डोंट डू दिस, ओके। सो यार, काफ़ी प्यारा सॉन्ग था, बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, तो बहुत ही एंजॉय किया मैंने इस सॉन्ग को। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।